हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कटारिया। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ अपनी टाटा टिगोर के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में जो कि मुझे इस गाड़ी के अंदर लगे हैं। अब पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी इसकी नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर, तो बहुत से लोग ये कहने लगे थे कि भैया इतने भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है जितने आप कह रहे हो। वो चीज़ की मैं एग्री करता हूँ क्योंकि वो नेगेटिव पॉइंट्स मेरे को लगे थे इस गाड़ी के अंदर। तो इस गाड़ी के अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, काफ़ी अच्छे पॉजिटिव पॉइंट हैं जो कि सिर्फ इसी गाड़ी में मेरे को लगे हैं। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट जो है इस गाड़ी के अंदर, जो कि है इसका एक ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है इस गाड़ी का। मतलब ऐसा लगता है कि एसयूवी टाइप का ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये काफ़ी अच्छा खासा इसका जो है ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है इस गाड़ी का। तो मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। मैं अच्छे खासे रोड्स पर भी लेके गया हूँ, आज तक ये गाड़ी नीचे से नहीं टकराई। ये जो टकराई हुई है गाड़ी यहाँ से, ये एक जो है खंबा था, खंबे की साइड से टकराई थी और साइड से लगी थी। नीचे से आज तक ये गाड़ी कभी ही नहीं टच हुई कभी भी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का बहुत अच्छा है। आप चाहे पीछे से भी, मैं दिखाता हूँ आपको पीछे से भी ग्राउंड क्लियरेंस कितना काफ़ी है, आप ये देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा इस गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट इसका यही था मेरे को लेने का कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस जो मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे इसका लगता है वो है इसका बूट स्पेस। आप देख सकते हैं कि इसका काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस मिलता है। इसका बूट जो है इसी से खुल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहीं से इसका जो है बूट खुल जाता है, देखिए खुल गया। तो बूट स्पेस में काफ़ी अच्छा दिया गया है, अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस इसी गाड़ी का है। और ख़ासकर इसका जो है हिंजेस आप देख सकते हैं कि बाहर की साइड है, तो इसकी वजह से आप पूरा बूट यूटिलाइज कर सकते हैं। 419 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अगर आप CNG भी लगवाते हैं तो CNG इसमें अच्छी खासी आ जाएगी। तो बूट स्पेस इस गाड़ी का कमाल है। मेरे को पर्सनली बहुत सारी चीज़ें रख के लानी होती है गाड़ी के अंदर, तो इसमें बूट स्पेस मेरे को बहुत अच्छा मिलता है और काफ़ी अच्छा खासा बड़ा दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ना, ये काफ़ी बड़ा बूट स्पेस में दे रखा है। तो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है इस गाड़ी का। और इसी सेगमेंट में जो और गाड़ियों को देखें तो उसका जो है कम मिलता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं इसका 450 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, क्योंकि इसकी वजह से जो हाइड्रोलिक्स है ना ये अंदर जाते ही नहीं, तो इस वजह से जो आपका बूट स्पेस इसका काफ़ी अच्छा मिलता है। अब थर्ड पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो इस गाड़ी का है माइलेज। माइलेज जो है मुझे गाड़ी अच्छा खासा है, माइलेज जो है मुझे मिल रहा है इस गाड़ी से अच्छा खासा, सिटी के अंदर भी और जो है हाईवे पे भी। अब सिटी के अंदर मेरे को जो है माइलेज आपका जो है अराउंड अप्रॉक्स 16-17 आराम से दे दिया, हाईवे पे 21-22 और 23 भी ये कभी कभार निकाल देती है। तो अच्छा खासा ये मेरे को माइलेज दे रही है। और ये गाड़ी अभी तक जो है मेरी 56,000 चल चुकी है, 60,000 पे मैं इसकी सर्विस करवाऊंगा। तो अगर आपको सर्विस की भी वीडियो देखनी है या आप मेरे से चाहते हैं कि सर्विस की वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊं कि क्या कॉस्ट आई है मेरी 60,000 किलोमीटर चलने पर, क्या एक्सपेंसेस खर्च हुए हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, तो वो चीज़ आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो भी आपके लिए वीडियो बना दूँगा। और अगर आपको वीडियो मेरी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वीडियोज़ देखते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेट फील होता हूँ, तो प्लीज़ बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो ये एक तरीके की रिक्वेस्ट ही मान लीजिए आप, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट आगे भी आने वाले हैं इस गाड़ी पे भी। मैं एक टियागो ले रहा हूँ उस गाड़ी पे भी, और कुछ मॉडिफिकेशन के ऊपर भी वीडियोज़ आने वाली है जो कि बजट फ्रेंडली रहेगी और कोई भी इल्लीगल मॉडिफिकेशन नहीं होगी। तो अब बात करते हैं इसी गाड़ी पे, तो माइलेज जो है मेरे को खासा अच्छा खासा मिल रहा है। मैं अगर आप करंट माइलेज की बात करूं तो करंट माइलेज जो है मुझे इस गाड़ी में कुछ इस तरीके का मिल रहा है, जो कि ये है। देखो तो माइलेज जो होता है ना वो डिपेंड करता है आपके ऊपर ही। देखिए ये जो है मेरे को माइलेज जो है इसमें अभी भी 18.9 का शो कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। गाड़ी जो है मेरी अप्रॉक्स जो है 56 समथिंग चल चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये मेरा माइलेज शो कर रहा है गाड़ी के अंदर 18.9 का। तो कुछ ये माइलेज जो है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ माइलेज जो है आप पे ही डिपेंड करता है। मैं लाइट फुट प्रेस करके चलाता हूँ तो मेरे को गाड़ी अच्छा खासा माइलेज दे देती हैं, चाहे ये गाड़ी नहीं चाहे और भी गाड़ियों पर, ये थोड़ा सा ज़्यादा देती है मेरे को माइलेज। इंजन इसका नॉइजी है,
बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि जब माइलेज दे रही है तो मैं समझता हूँ कि कोई बात नहीं, इतना अच्छा म्यूज़िक सिस्टम दे रखा है कंपनी ने, तो म्यूज़िक सिस्टम जब मैं यूज़ करता हूँ तो वो इंजन नॉइज़ आती ही नहीं है। हाँ, ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है, इसमें हरमन का म्यूज़िक सिस्टम मिलता है। ये कुछ इस तरीके से है, ऐसा लगता है इसके म्यूज़िक सिस्टम में भाई साहब की लगता है कि हाँ कोई आप एक लग्जरी गाड़ी में बैठे हो। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट ही है, क्योंकि इस सेगमेंट में मुझे और किसी गाड़ी का लगा नहीं। तो इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है ना इतना अच्छा है, 4 स्पीकर 4 ट्यूटर के साथ आता है। बेस ट्यूब भी मतलब ऐसा लगता है जो भी इस गाड़ी के अंदर बैठता कहते हैं भाई बेस ट्यूब कहाँ लगा रखी है, मैंने कहा बेस ट्यूब नहीं है, ये ओरिजिनल स्पीकर है। तो ऐसा लगता है इस गाड़ी के अंदर कि इनबिल्ड जो है कंपनी ने बेस ट्यूब दे रखी है, पर ऐसा कुछ है नहीं, 4 स्पीकर 4 ट्यूटर हैं इस गाड़ी के अंदर। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है कि इसमें इतना अच्छा खासा एक म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है कंपनी से ही, जो कि मुझे आफ्टर मार्केट चेंज नहीं कराना पड़ा। मैंने कोई भी चीज़ इसमें ज़्यादातर आफ्टर मार्केट चीज़ें नहीं कराई सिवाय इस मैट्स के, वो भी 70 मैट्स के, तो मैंने यही चीज़ लगवाई आफ्टर मार्केट, बाकी इस गाड़ी में कुछ नहीं कराया। और ये उस टाइम का वैल्यू फॉर मनी वेरियंट भी था, क्योंकि मेरे को इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल रही थी जो कि मुझे चाहिए थी। तो ये था इसका एक और ये पॉजिटिव पॉइंट जो कि ये था। अब बाकी और पॉजिटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि मुझे इस गाड़ी के अंदर क्या क्या अच्छा लगा, तो वो है इसका लुक। लुक देख रहे हैं आप, इसका कूपे डिज़ाइन है जैसे कि BMW वाली गाड़ी में आता है। कूपे डिज़ाइन होने के बाद कि सबसे अलग जो लगता है इसका डिज़ाइन मेरे को इस सेगमेंट में, क्योंकि आप देख रहे हो ऐसा नहीं है इस गाड़ी को खींच के बना दिया गया हो, या फिर होता है ना कि बहुत सारी इस सेगमेंट में गाड़ी ऐसी है यार खींच के बना दिया गाड़ी को फालतू में, ऐसा लग रहा है। इसका अलग ही डिज़ाइन है, आप देख रहे हो स्टाइल बैक डिज़ाइन दिया गया है इस गाड़ी को, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये LED टेल लैंप्स तो भाई गजब, मैं आपको एक बार जला के दिखाता हूँ कि इसके LED टेल लैंप्स आपको कैसे लगते हैं। ये देख रहे हैं अलग ही दिखती है रात को कि इसके LED टेल लैंप्स कुछ इस तरीके के हैं, तो काफ़ी अच्छा दिखा। इसमें जो आपको ये भी दिया गया है जो कहते हैं हाई ब्रो स्टॉप लैम्प, जो काफ़ी बड़ा है और उसी गाड़ी में ही आता है, पता नहीं ये अच्छे नंबरों में क्यों नहीं बिकती। गाड़ी अच्छी है नो डाउट, स्पेशियस कैबिन है जैसे कि आप पीछे वाली सीट भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा जो है इसमें स्पेस मिलती है। ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ही है जो कि आप देख सकते हैं। ये देख रहे हैं थाई सपोर्ट और लेग स्पेस मुझको काफ़ी अच्छा मिल रहा है, बस हाँ ये हम्प ज़्यादा है तो बीच वाले पैसेंजर को प्रॉब्लम होती है। आने वाले अपडेट में शायद कर दें इसका भी कोई इलाज टाटा वाले। तो अच्छा खासा स्पेस मिलता है और अच्छा खासा इस गाड़ी का इंटीरियर है जैसे कि आप देख सकते हैं, बस बुरा इसी चीज़ का लगता है और कुछ नहीं है। बाकी मैं इस गाड़ी से फुल्ली सेटिस्फाई हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं करती है गाड़ी। थोड़ा सा सर्विस में आता है, पर क्या अपनी टाटा कंपनी है तो मैं थोड़ा बहुत उनको कह देता हूँ, वो सुन भी लेते हैं और कर भी देते हैं सर्विस, तो ऐसा कोई इशू मेरे को आता भी नहीं है कि हाँ यार बहुत ही ज़्यादा ख़राब है सर्विस, बहुत ही ज़्यादा है। डिपेंड करता है कि आप सर्विस सेंटर पर कौन से पे जाते हैं कौन से पे नहीं जाते। हर सर्विस सेंटर बुरा नहीं है, हर सर्विस सेंटर अच्छा नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कौन से पे जा रहे हो, वहाँ का क्या है क्या नहीं। अगर प्यार से कह दो तो सारे काम होते हैं, मेरे को तो यही मानना है, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, मेरे से सारे काम करते हैं। जब वो नहीं मानते तो एक दो बार मेरी भी थोड़ी बहुत हुई है, तो फिर भी वो कर देते हैं। मैंने कहा यार छोड़ो मुँह लगना बेकार है, कंप्लेंट मार दो सीधी, अपना आप ठीक हो जाते हैं वो। आप भी ऐसा करिए करें, जब भी सर्विस सेंटर वाले जो है कुछ भी हरकत करें कुछ मत बोलिए, सीधा ऊपर कंप्लेंट मार दो, बस अपना आप सुधर जाएंगे। तो ये है इसका ये पॉजिटिव पॉइंट। बाकी जो है और भी पॉजिटिव पॉइंट है, जैसे कि इसके अलाइव्स मेरे को काफ़ी अट्रैक्टिव लगे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मुझको बाहर से चेंज कराना चाहिए, खासकर इस कलर पे जो है ये अट्रैक्टिव लगते हैं ये अलाइव्स जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यही है इससे कुछ पॉइंट्स जो कि मैं आपसे बताना चाहता था कि पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं इस गाड़ी के अंदर, और सिर्फ इसी गाड़ी के अंदर हैं जो कि इस सेगमेंट में है, और गाड़ी में मुझको नहीं लगा, जैसे कि डिज़ायर हो गई और आपकी ग्रैनाइट नियोस हो गई, मुझे उन गाड़ियों को ऐसा लगता है। एक स्विफ्ट डिज़ायर को तो छोड़ के वो तो कुछ अच्छी लगती है, पर ग्रैनाइट नियोस तो ऐसा लगता है पीछे से भाई पीछे से खींच दियो फालतू में, मतलब ज़बरदस्ती बना दियो कि हाँ यार एक सेगमेंट और में जो है हम कॉम्पैक्ट सेडान में एक गाड़ी बना देते हैं, तो जो है हम ये गाड़ी जो है एक लॉन्च कर देते हैं, पीछे से चलो बना के छोड़ दी। तो ऐसा नहीं इस गाड़ी के साथ मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। थोड़ी सी जो है ये अंडर पावर लगती है जब मैं इसको टेक ओवर करता हूँ किसी और गाड़ी से, मतलब मोटा मोटे तौर पर बताऊँ कि अगर किसी ट्रक को टेक ओवर कर रहा हूँ तो मुझको डाउनशिफ्ट करना पड़ता है इस गाड़ी के अंदर, जो
जो कि थोड़ा सा ड्रॉबैक है। फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि मेरे को सेफ्टी भी तो बहुत अच्छी मिली है इस गाड़ी के अंदर। 4 स्टार इसने स्कोर किया था ग्लोबल एनकैप में, तो लगता है कि हाँ यार काफ़ी भारी बॉडी है, तो उस हिसाब से जो इंजन जो रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम करता है। फिर मैंने कहा यार जाने दो, कोई बात नहीं, सेफ्टी तो है इस गाड़ी के अंदर, सेफ तो फील करता हूँ। अच्छा, सेफ्टी से याद आया, जब मैं इस गाड़ी को हाईवे पर चलाता हूँ ना, आप मानिएगा ये गाड़ी जो है इतना कॉन्फिडेंस फील कराती है। अभी कुछ टाइम की बात है, मतलब अराउंड 10 एक दिन की बात है, मैं मूवी देखने जा रहा था स्पाइडरमैन। अच्छा, आपने भी अगर स्पाइडरमैन देखी हो ना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। मेरे को तो 2D में देखी तो बहुत बेकार लगी। बट कम टू द पॉइंट, मैं इस पॉइंट पर आता हूँ। सामने एक रोड पर कुत्ता आ गया था, उसे बचाने के चक्कर में मैंने पूरी गाड़ी इस तरीके से ले गया। ये गाड़ी जो है बिल्कुल भी ऐसा कॉन्फिडेंस था इस गाड़ी के ऊपर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा मेरे को ये गाड़ी जो है मतलब डिसबैलेंस हो रही है या फिर इधर उधर जा रही है। नहीं, जितना स्टेयरिंग स्पॉन्स काटा, जितना ही स्टेयरिंग काटा, उतनी ही ये गाड़ी खड़ी। मतलब स्टेयरिंग फीडबैक भी ना, एक्यूरेसी जो है इसकी, मतलब एक्यूरेट चलता है बिल्कुल। तो स्टेयरिंग रिस्पॉन्स भी इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, मतलब स्टेबिलिटी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी लगती है, खासकर मुझको हाईवे पे। मतलब एक बोलते ना हिंदी शब्द में बोलूँ कि गाड़ी बिल्कुल चिपक के चलती है रोड पे, ऐसा लगता है कि मैग्नेट लगा रखी और चिपक रखी हो गाड़ी। देखो मैं ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि है तारीफ़ की भी चीज़ें। तो मेरे को इस गाड़ी में ये भी एक अच्छी चीज़ लगी कि हाईवे स्टेबिलिटी या फिर मैं सिटी के अंदर चला रहा हूँ, मेरे को ये सेफ्टी प्रोवाइड करती है, और मैं सेफ्टी को प्रेफरेंस देता भी हूँ। क्योंकि आज के टाइम पे मेरे को नहीं पता, मैं गाड़ी ठीक से चला रहा हूँ और आगे वाला बंदा पता नहीं क्या करके चला रहा हो, पी के चला रहा हो, क्या चला रहा हो। मैं तो कम से कम अपनी तरफ से सेफ्टी रखूँ, तो मैं तो जैसी गाड़ी स्टार्ट होता सीधा सीट बेल्ट लगाया, गाड़ी स्टार्ट होता ये नहीं चलती। क्योंकि मेरे साथ एक बार सीन हो भी चुका है, मेरा एक्सीडेंट हो भी चुका है, तो उस टाइम पर मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी और मैं जाके सीधा शीशे पर पड़ा था, आगे वाले शीशे पर जाके पड़ा था। तो मैं तो जो है सेफ्टी प्रेफरेंस करता हूँ इस गाड़ी के अंदर। बाकी जो है आप देखिएगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है नहीं लेनी, क्योंकि सेफ्टी तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है गाड़ी के अंदर, कि मेरे को तो सेफ्टी गाड़ी चाहिए, सेफेस्ट कार चाहिए ही चाहिए। क्योंकि देखो गाड़ी तो और भी बहुत आ जाएंगी, जान नहीं आती है ना, तो ये भी इसका एक पॉइंट है इस गाड़ी का, कि ये स्टेबिलिटी बहुत अच्छी देती है गाड़ी, कॉन्फिडेंस फील कराती है। कहने का मतलब ये है कि जब आप चलाते हो ये गाड़ी बहुत कॉन्फिडेंस फील कराती है आपको, ऐसा नहीं है कि आप स्टेयरिंग कितना काट रहे हो तो गाड़ी इधर उधर भाग रही है या कुछ, तो अच्छा खासा जो है ये कॉन्फिडेंस फील कराती है ये गाड़ी हाईवे पे भी और सिटी में भी। तो कुछ ये फीचर्स की बात करें तो फीचर आपको इसके अंदर सारे मिलते हैं जो कि मेरे हिसाब से सफिशेंट हैं। बाकी तो सब गिमिक फीचर होते हैं कि क्रूज़ कंट्रोल भी उन्हीं के लिए होता है जो हाईवे पर ज़्यादा चलते हैं, तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल है नहीं, तो मेरे को इतनी ज़रूरत लगती भी नहीं है, पर आप थोड़ी थोड़ी लगने लगी है क्योंकि इंडिया के अंदर हाईवे ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो है क्रूज़ कंट्रोल होना चाहिए इस गाड़ी के अंदर, और आप दे देना भी चाहिए क्योंकि नए मॉडल्स में आते नहीं है। बाकी पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मेरे को उसमें जो है महसूस नहीं होता, मेरे को अच्छा लगता है कि चाबी से घुमाओ और स्टार्ट करो गाड़ी को, तो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं ज़्यादा जो है चाहता नहीं हूँ गाड़ी के अंदर अपनी, ठीक है जितने फीचर दे रखे हैं उतने मेरे को लिए काफ़ी है। तो ये था इसका पॉइंट्स। बाकी आप बताइए कि आपकी क्या कहानी है इस गाड़ी के साथ या फिर टियागो के साथ, क्योंकि दोनों ही गाड़ी एक सेम ही है, बस डिग्गी का ही फ़र्क है। बट आप भी बताइए कि आपकी क्या कहानी है इस गाड़ी के साथ कमेंट में, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।